सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल और SS पावर ग्रुप में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं जो हमारा एलईडी बल्ब होता है उसको आप किस तरीके से मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर किस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं और इस बिजनेस में आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है। मैं ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इस बिजनेस से आपको कैसे प्रॉफिट होने वाला है और कैसे आप इस प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए मैं बताता हूं सबसे पहले कि आपको इस बल्ब को किस तरीके से बनाना है। तो जो आपका बल्ब होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो रेडी प्रोडक्ट होता है। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं और इसके साथ आपको क्या क्या कच्चा मटेरियल लगता है जो इस बल्ब को बनाने में उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो लगने वाली हाउसिंग होती है, तरीके की हाउसिंग जिसके अंदर लगा होता है एल्युमिनियम, जिसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम हाउसिंग। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारी ये गामा डीओबी है इसमें आप देखेंगे जीएनडी और एचवी लिखा हुआ है। अब इस वाले पॉइंट पे आपको क्या करना है, जहां यहां पे भी लिखा हुआ है एसपीडी पे जीएनडी और एचवी, इस वाले पॉइंट को उसी तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों उसी तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है एचवी और ग्राउंड पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा सोल्डर पेस्ट यहां पे ले लेना है। अब ये सोल्डर पेस्ट क्या करता है कि जो हमारी सोल्डरिंग होती है तो उसको काफी अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर देता है। तो दोस्तों हमने इस तरीके से यहां पे इसको वायर को यहां पे लगा दिया है। वायर को लगाने के लिए अब हमें सोल्डरिंग मशीन की मदद से यहां पे सोल्डरिंग कर देनी है। अब दोस्तों हमें अपने आयरन मशीन की मदद से यहां पे हमें अपनी सोल्डरिंग कर देनी है। अब ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया एचवी वाले पॉइंट पे रेड को और ग्राउंड वाले पॉइंट पे हमने ब्लैक को कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमारी ये सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है ये हमारी डीओबी को सेफ रखती है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों हमें अपनी गामा डीओबी को यहाँ पे जो हमारी हाउसिंग है उसमें इंसर्ट कर देना है। इसको आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं और मशीन के द्वारा भी। अब मैनुअली अगर आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं पावर से तो ये इंसर्ट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपने देखा एल्युमिनियम हाउसिंग के अंदर हमारी डीओबी यहाँ पे लग चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे फ्यूज वाली वायर निकली हुई है इसको कैप के अंदर फिट कर देना, जो हमारा B22 कैप होता है। और इस तरीके से हमने यहां पे देखा कि किस तरीके से हमने एक्स्ट्रा वायर जो थी वो ऊपर आ जाती है और एक्स्ट्रा वायर को दोस्तों आपको कटर मशीन की मदद से जो है काट देना है। जो हमारे टूल होता है इस टूल की मदद से आपने जो एक्स्ट्रा वायर थी इसको यहां पे हमने कट कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमें बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मात्र हमें जो शोल्डर वायर होती है इसकी मदद से आपको यहां पे जो हमारा कैप होता है उस कैप को यहां पे इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। दोस्तों आपने देखा कितने शानदार तरीके से मात्र 1 से 2 सेकंड की देरी में आप इसको इस तरीके से सोल्डरिंग कर देंगे और देखेंगे यहाँ पे आप दोस्तों कि आपका जो बल्ब है उसका कैप लग के तैयार हो चुका है, सोल्डरिंग हो चुकी है। जो हमारी गामा डीओबी है उसको हमने हाउसिंग के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिलिकॉन इसमें फिल कर देना है। अब ये सिलिकॉन आपको किस लिए यहाँ पे लगाना होता है, ये जो हमारी हाउसिंग होती है दोस्तों इसके अंदर हमारी जो डीओबी होती है उसको बेस्ट तरीके से यहाँ पे फिट हो जाता है और जो हमारा डिफ्यूजर होता है ये भी पूरी तरीके से यहाँ पे लॉक हो जाता है और ये खुलता नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो बल्ब है ये बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारी कैप लॉकिंग मशीन होती है इसकी मदद से आपको जो हमारा ये B22 कैप है ये वाला जो कैप होता है इसको इस मशीन के द्वारा आप यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब ये वाला जो प्रोसेस है हमने यहाँ पे कर दिया है और हमारा जो बल्ब है दोस्तों आपने देखा किस तरीके से बनके तैयार हो चुका है, कैप लॉक हो चुका है, डिफ्यूजर लग चुका है, सारी तरीके से रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं इस बल्ब को चेक करके आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों आपने देखा आपका बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आपने मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक एलईडी बल्ब को वो भी बेस्ट क्वालिटी से रेडी कर सकते हैं अपने घर पे। अब सबसे पहली बात है कि ये बिजनेस आपको कैसे प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि ये जो बल्ब है जो 1 साल की गारंटी के साथ बाजार के अंदर 60 से 80 रुपए की रेंज में आपको मिलता है, वही प्रोडक्ट आपको हमारे पास से मात्र 22 रुपए से 25 रुपए की रेंज में इस तरीके का 9 वाट का एलईडी बल्ब वो भी गारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। इस बल्ब का गारंटी वाला रॉ मटेरियल जो स्टार्टिंग हो जाता है मात्र और मात्र, अगर आप रॉ मटेरियल स्टार्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो 5 रुपए 50 पैसे से एलईडी बल्ब का आपको रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जो भी भाई इस बिजनेस को करना चाहता है या लो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर से इस बिजनेस को चलाना चाहता है, हमारे स्क्रीन के 2 नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी कंपनी SS पावर इलेक्ट्रिकल्स इंडिया शास्त्री नगर में आप विजिट करके हमारा देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे एलईडी बल्ब का मटेरियल जो है रेडी किया जाता है और क्या क्या यहाँ पे बेस्ट प्राइस मिलते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। और सबसे पहली बात है कि दोस्तों ये जो बिजनेस है ये मात्र आपके 5,000-10,000 रुपए से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन भाइयों को ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है कि उन्हें बिजनेस में पहले पैसे देने पड़ते हैं, तो जो भी भाई करना चाहता है उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो पेमेंट को अपने घर जाने के बाद दे सकते हैं। मात्र आपको कुछ टोकन मात्र आपको अमाउंट देनी है और इस ब्राइटनेस का हैवी क्वालिटी का आपको बल्ब मिल जाएगा मात्र 22 रुपए की रेंज से स्टार्टिंग और काफी
काफी वैरायटीज भी आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आई होप सो कि ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो और एलईडी बल्ब आपको किस प्रकार बनाया जाता है ये समझ आया। तो जो भी भाई कोई नेक्स्ट वीडियो की हम उस पर बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को बिजनेस आइडिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं उससे भी धमाकेदार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।